वेलकम टू न्यू ब्लॉग। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस आज है आपका डे 11, आज होगा राम जी का तिलक। तो ग्राउंड में पहुंच चुका हूं, मैंने इंट्रो आज घर पे नहीं बनाया, तो गाड़ी में बैठ के इंट्रो बना रहा था। अब बस आपको दिखाते हैं आज की लीला की कैसे कैसे होती है। और जिसने अभी तक पूरी सीरीज नहीं देखी, दशहरा व्लॉग नहीं देखा फर्स्ट डे से लेकर डे 10 तक की रामलीला नहीं देखी, बजरंग रामलीला 2024 पर जाना और जाके लिंक पे क्लिक करना और आपको सारी वीडियो रैली की मिल जाएगी। ठीक है, आपको चलते हैं सीधा, मिलते हैं ग्राउंड में, दिखा के कि आज राज तिलक कैसे राम जी का होता है। जय श्री राम। और इस वीडियो को बहुत प्यार देना और चैनल सब्सक्राइब जिसने नहीं किया चैनल सब्सक्राइब यहाँ से कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, अपने सब दोस्तों को शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो, जय श्री राम। चलो चलते हैं, अब दिखाते हैं आपको आज की लीला। कल सायंकाल यहां घनघोर युद्ध हुआ था, जिसमें भैया लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध किया गया और कुंभकर्ण के द्वारा उस स्थान कुंभकर्ण का वध मेरे द्वारा उस स्थान पर किया गया और अहिरावण छल और बल से हम दोनों को पाताल लोक लेके चला गया था। फिर भक्त हनुमान द्वारा उसका वध किया गया और हम दोनों को मुक्त करवाया गया और महान पंडित महान ज्ञाता रावण का वध मेरे द्वारा उस स्थान पर किया गया। पहले भरत को वचन दिया था 14 वर्ष पूर्ण होते ही मैं अयोध्या वापस आऊंगा। अब 14 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन शेष रह गया है, यदि हमने देर किया तो हो सकता है भरत अपने आप को अग्नि में न समर्पित कर दे, इसलिए हमें अतिशीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए। इसके लिए विभीषण जी से कहिए कि पुष्पक विमान तैयार करें और मेरे साथ जो भी अयोध्या जाना चाहे, पंपापुर नरेश, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी और जो भी मेरे साथ अयोध्या जाना चाहे चल सकता है। आज मेरा दिल की उदास है, मन दुखी है। 14 वर्ष व्यतीत होने में केवल एक दिन रह गया है और अभी तक भैया रामचंद्र जी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसा कि मैंने प्रतिज्ञा किया था कि 14 वर्ष व्यतीत होने में यदि भैया नहीं आए तो मैं अपने आप को
अग्नि में समर्पित कर दूंगा, तुम मेरी चिता की तैयारी करो। नहीं शत्रुघ्न, नहीं, मुझसे तो बड़भागी लक्ष्मण है जो भैया रामचंद्र जी के चरणों में है और उनकी दिन रात सेवा कर रहा है। भैया लक्ष्मण माँ जानकी के सहित अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुँच चुके। क्या कहा आपने? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। जीत सुजस सुर आपत सीताम ज सहित प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरहि सब दुखात सावंत जिन पाइ बिनुआ। मुझे पता था कि यदि मैं विलंब कर देता तो तुम अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देते, इसलिए मैंने आने में देरी नहीं की। अब मैं थोड़ा सा इन लोगों से आपका परिचय करवा दूं, क्योंकि आप तो इन्हें पहचानते नहीं होंगे। जी भैया, ये लंका नरेश महाराज भीषण है, और ये पंपापुर नरेश महाराज सुग्रीव, इनकी सिया खोज में बड़ी ही कृपा रही है, और ये बाली पुत्र अंगद है जो किष्किंधा के युवराज है। और ये ब्रह्मा पुत्र जामोंद जी है, इनसे तो आप शायद परिचित ही हैं, क्योंकि संजीवनी लाने में जो घटना घटित हुई थी उसका पूरा वृत्तांत इन्होंने मुझे बताया था। इन्हीं लोगों की पुत्र राम लक्ष्मण और सीते, मैं गुरुदेव आपको आज्ञा दे रहा हूं, बहुत दूर से आए हो, थक गए हो, इसलिए जाकर आराम करो और अपने जटाजूट को उतरवाओ और इस उदासी वस्त्र को छोड़कर राजसी पोशाक पहनकर दरबार में उपस्थित हो। जैसी आज्ञा गुरु। आज आपका प्रतिज्ञा जो है वो आज पूरी होने के लिए जा रही है, बड़े ही हर्ष और खुशी की बात है। आप जाएं और राम को दरबार में उपस्थित करें। ऐसी आज्ञा। इस सभा में जितने संत जन मुनि महात्मा ब्राह्मण देव और आपसे बड़े हैं उन सबको प्रणाम करके और आप विराजमान जनक सुतार समेत रघुराई एक पद के भरत ने आपकी प्रतिज्ञा पूरी की और राम को राज सिंहासन पे बिठा दिया।
ग्रहस्रवाः स्वस्तिनः पुरुषा विश्वभेदाः स्वस्ति न तारिषो अरिष्टने स्वस्तिनो बृहस्पति दधातु बोल्ये रामचन्द्र की। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि किन्हा पुनि सब विप्रन आय सुदिन्हा हर्षि महतारी बार बार आरती उतारी भारत की जय श्री रघुवर की कैश सोना चांदी हीरे जवाहरात श्री शिवलाल सिंह जी द्वारा 2100 रुपए का दान मिला है। भगवान आपके परिवार का मंगल करें। आदरणीय कुलभूषण राय नागर जी की तरफ से 500 रुपए का दान मिला है। भगवान आपका मंगल करें। सतेंद्र मलिक एसआई जी की तरफ से 500 रुपए का दान भगवान के इस पुण्य कार्य में मिला है। भगवान आपके परिवार का मंगल करे। मनन मनन बच्चे की तरफ से 101 रुपए का दान मिला है। भगवान आपके परिवार का मंगल करे। समर्थ बच्चे की तरफ से 101 रुपए। ओम हरि ओम मंगलानां पार्वति गुण हवामहे प्रियानां पार्वति गुण हवामहे यहीनां पार्ण देवति गुण हवामहे वशो नमयाहम जाजि गर्वधम्म त्वम जाजि गर्वधम्म। ओम त्यम्बकं यजामहे सुगंधं पुष्पवर्धनम् स्वाहा